लोग ऐसा कहते थे कि जब कोई कार्यकर्ता उनके सामने से गुजरता था या उनकी नज़रों के सामने आ जाता था तो नाम लेकर के बुला लेते थे, वो प्रदेश के किसी कोने से हो। कितनी सच्चाई इस बात? एक बड़ी मशहूर लाइन है मुलायम सिंह यादव जी की, वो कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। ऐसा क्या लगाव था आजमगढ़ के लोगों से जो ऐसा कहते थे? तो नेताजी को आजमगढ़ से बड़ा लगाव हो गया था और नेताजी बार बार कहते थे कि अगर हमारा इटावा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है, इसलिए कि आजमगढ़ ने भी हमेशा जब कभी भी लड़ाई का समय आया तो नेताजी को आजमगढ़ के लोगों ने साथ देने का काम किया। ये समाजवादी धरती है। आप जब कभी जाते थे पार्टी कार्यालय पे, आपसे मुलाकात होती थी तो नेताजी क्या कहते थे आजमगढ़ के बारे में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, जिसे आज पूरा भारत याद कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन के जननायक मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग प्रेम से नेताजी कहते थे, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और इस खास मौके पर आजमगढ़ जिले के सठियाओं में स्थानीय विधायक अखिलेश यादव ने पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जिसे आज पूरा भारत याद कर रहा है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, जिसे आज पूरा भारत याद कर रहा है, उनमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो आज समाजवादियों को उनसे प्रेरणा लेनी होगी? बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर नेताजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत सत नमन है नेताजी को। नेताजी ने राजनीति में जो रास्ता दिखाया था, बिना किसी भेदभाव के, जब सरकार में वो रहते थे तो काम करते थे और जब सरकार में नहीं रहते थे तो गरीबों, किसानों, मजदूरों और बुनकरों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इस देश में, अखिलेश जी, इस देश में दो ही नेता, एक तो सुभाष चंद्र बोस को सब लोग नेता कहते थे, दूसरा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को नेताजी कह के बुलाया गया, संबोधन किया गया तो लोग जान लेते थे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, ये बातें कही जा रही है। तो ऐसी क्या खास बातें थी जो उनको ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जोड़ती थी? उनकी कैसी नीतियाँ थी? नेताजी धरती से जुड़े हुए नेता थे और हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों और बुनकर भाई की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते थे। जब कभी भी उनको सरकार चलाने का मौका मिला जी, तो उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिन कामों ने नेताजी को गरीबों का मसीहा बना दिया जी। जैसे नेताजी ने कन्या विद्या अध्ययन दे करके गरीब बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने का काम किया, तो इंटर तक शिक्षा मुफ्त करने का काम किया जी। वही नेताजी ने किसानों के लिए दुर्घटना बीमा दे करके किसान परिवारों को किसानों के न रहने पर भरण पोषण की सुविधा देने का काम किया। तो नेताजी समाजवादी नेता थे, सेकुलर आदमी थे, उनके उनमें हिंदू भी विश्वास करता था, मुसलमान भी विश्वास करता था और सभी धर्म मजहब के लोग नेताजी की कदर करते थे। नेताजी बिना किसी भेदभाव के सरकार में होते थे तो काम करते थे और तमाम नेताजी के ऐसे काम हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता, और विशेष रूप से आजमगढ़ में तो जो भी विकास का काम हुआ सब नेताजी उस पर मैं उस पर आऊँगा। आप जब कभी जाते थे पार्टी कार्यालय पर, आपसे मुलाकात होती थी तो नेताजी क्या कहते थे आजमगढ़ के बारे में? नेताजी जब कभी मिलने जाते थे तो नेताजी कहते थे कि आजमगढ़ के लोग तो हमारे दोस्त हैं और आजमगढ़ की जनता हमको बहुत मानती है और तुम लोग हमेशा गांव में घूमते रहना, लोगों से मिलते रहना, अगर गरीब की चारपाई पर बैठ करके पानी पी लोगे तो गरीब तुम्हारा समर्थक हो जाएगा और हमारा नाम ले लोगे तो साइकिल को वोट करेगा। तो नेताजी हम लोगों से हमेशा सलाह दिया करते थे कि आप लोग क्षेत्रों में घूम घूम करके हमारी नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहिए और गरीब परिवारों तक पहुंचते रहिए। एक बड़ी मशहूर लाइन है मुलायम सिंह यादव जी की, वो कहते थे कि इटावा मैनपुरी अगर मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन। ऐसा क्या लगाव था आजमगढ़ के लोगों से जो ऐसा कहते थे? नेताजी के राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, हमेशा आजमगढ़ के लोगों ने उनका साथ देने का काम किया था। तो नेताजी को आजमगढ़ से बड़ा लगाव हो गया था और नेताजी बार बार कहते थे कि अगर हमारा इटावा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है, इसलिए कि आजमगढ़ ने भी हमेशा जब कभी भी लड़ाई का समय आया तो नेताजी को
आजमगढ़ के लोगों ने साथ देने का काम किया। ये समाजवादी धरती है, इसलिए नेताजी आजमगढ़ के लोगों की बड़ी कदर किया करते थे। आज मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि है, पहली बरसी है, तो अब बात उन्हीं की हो जाए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब से सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव की वो लड़का वाली नीति से अपना वास्ता हटाया है, मतलब दूर हुए हैं, तब से सत्ता से बाहर हो गए, तो क्या उनकी चीज़ों का अनुसरण करते हुए समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी? नेताजी की छवि एक लड़ाकू नेता की थी और नेताजी हमेशा रोज़ रोज़ बैठ करके चर्चा किया करते थे अपने साथियों से और योजना बनाया करते थे और लगातार संघर्षों में रहने का काम करते थे सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में। तो जाहिर सी बात है कि नेताजी की समाजवादी पार्टी है तो जनता भी समाजवादियों को लड़ते हुए देखना चाहती है। इधर जो सरकार केंद्र और प्रदेश के अंदर है, आंदोलनों के ऊपर जिस तरीके से टेढ़ी नज़र करके रखी है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो धरना प्रदर्शन करेगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उसको जेलों में डाल दिया जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने हमेशा ये आंदोलनों को कुचलने का काम किया है, लेकिन समाजवादियों ने हमेशा हर लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है और निश्चित तौर पर आने वाले 2024 में, जैसा कि जनता हमसे उम्मीद करती है, हम मुलायम सिंह के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में आगे बढ़ करके लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस जुल्मी सरकार से लोगों को निजात दिलाएंगे। नेताजी से जब आप लोग मिलते थे तो नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह से जाकर के मैदान में गरीब मजलूमों ज़रूरतमंदों के लिए काम करने के लिए कैसे बोलते थे, क्या कहते थे? नेताजी सभी को अपने बच्चों के माफिक देखते थे और डांट के कहते थे कि तुम लखनऊ में क्यों आए, तुम्हारा काम क्या है। हम लोग काम बताते थे, नेताजी नोट करते थे और कहते थे कि तुम घर जाओ और पार्टी का काम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दो चार दिन के बाद खबर आ जाती थी कि आपका काम हो गया। नेताजी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से यही चाहते थे कि समाजवादी नीतियों का प्रचार प्रसार करें और समाज में घूमते रहें, लोगों के घरों तक जाएं, सबसे गरीब आदमी की झोपड़ी में पहुंचने का काम करें। नेताजी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया करते थे। एक और बात कही जाती थी नेताजी के बारे में, वो कितनी सच है वो आप ही बता पाएंगे। लोग ऐसा कहते थे कि जब कोई कार्यकर्ता उनके सामने से गुजरता था या उनकी नज़रों के सामने आ जाता था तो नाम लेकर के बुला लेते थे, वो प्रदेश के किसी कोने से हो। कितनी सच्चाई इस बात में? इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। नेताजी की स्मृति और नेताजी के सामने से जो एक बार गुजर जाता था उसका अक्स नेताजी अपने दिल में और दिमाग में उतार लेते थे। तमाम ऐसा वाक्य आया है जब नेताजी के सामने हम लोग पहुँचे हैं और लगता था कि नेताजी हम लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन नेताजी तुरंत ही नाम लेकर के बुला लिया करते थे। एक बार आजमगढ़ के सारे नेताओं को नेताजी ने बुलाया था, तब मैं आजमगढ़ का अध्यक्ष हुआ करता था। सबसे बारी बारी उन्होंने राजनीति पर चर्चा की और आजमगढ़ के आंदोलन और पार्टी परिस्थितियों के बारे में चर्चा की। मैं चुपचाप अकेला बैठा था, फिर उन्होंने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, मुझे लगता था कि मनाया हूँ, अध्यक्ष बना हूँ, नेताजी मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन नेताजी ने कहा और तुमको अध्यक्ष बना दिया तो अब तुम यहाँ घूम रहे हो, अब अध्यक्ष हो गए तो काम नहीं करोगे। मैंने कहा नेताजी मैं काम करता हूँ। नेताजी मुस्करा दिए कि मुझे जानकारी है कि तुम काम करते हो, लेकिन तुम्हें डांटूंगा नहीं तो कैसे काम करोगे। तो इस तरह के नेताजी का नज़रिया रहता था। कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने आपको बुलाया, अखिलेश इधर आओ, और वो अखिलेश चले गए? जी ऐसा होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अक्सर हम लोग जाते थे तो कहते थे अखिलेश इधर आओ, तो हम लोग सख्ते में रहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला रहे हैं कि मुझे बुला रहे हैं। तो मैं जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे हो लेता था, राष्ट्रीय जी आगे बढ़ जाते थे। आज के दिन तमाम कार्यक्रमों में आपने शिरकत किया है, आपने भी एक कार्यक्रम आयोजित किया सठियाओं में, अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ आपने इस कार्यक्रम को किया है, तो आज के दिन समाजवादियों ने क्या संकल्प दोहराया है? हम लोगों ने नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लिया है कि जिस आंदोलन को नेताजी छेड़ गए थे और जिस आंदोलन को छोड़ गए हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस देश और देश के अंदर सेकुलर और जमहूरियत की सरकार बनाएंगे। किसी भी हालत में हम लोग फिरका परस्तों को सर नहीं उठाने देंगे, इसलिए कि गंगा जमुनी सभ्यता का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। हम लोग नफरत के आधार पर कोई दीवार नहीं बनने देंगे, आपसी मेलो मिल्लत की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे।
तो चलिए देखा आपने, हमने बातचीत किया मुबारकपुर के स्थानीय विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि पर संकल्प को दोहराया है समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कि हम लोग फिर से मैदान में उतरेंगे और समाजवाद का परचम लहराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो पीछे तस्वीर आपको दिख रही, एक बार मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा आप लोग हट जाएँ, देखिए पीछे तस्वीर है मुलायम सिंह यादव जी की, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। और ये समाजवाद के सच्चे जननायक, सच्चे मसीहा थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए बड़ा काम किया, उस काम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।